नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फिर आ गए हम आपके अपने बाप डिजिटल की चैनल पे एक नई वीडियो लेके। जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि घुटने की एक्सरसाइज हम लोग कैसे पूरी करते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि CPM के थ्रू मशीन से घुटने को कितना और काफ़ी हद तक हम लोग मोड़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देखिए इस वीडियो में पूरा, और हम दिखाएंगे कि आपको हमने एक्सरसाइज करने के बाद हमने घुटने को कितना मोड़ा। जैसा कि दोस्तों वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी थी, तो ऐसा कि मैंने इसका पार्ट टू बनाया है। तो ऐसा कि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, और देखने के बाद अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों चलते हैं वीडियो के साथ में, चलते हैं दोस्तों इस घुटने को मोड़ते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इस घुटने की पूरी एक्सरसाइज कैसे कराते हैं हम लोग। क्योंकि हमने CPM की मतलब जो एक्सरसाइज है हम उससे पैर मोड़ दिया है, उसके बाद हमने पैर को प्रिपरेशन किया है मोड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आप दोस्तों देख सकते हैं पेशेंट से पूछ के देखेंगे कितना पैर मोड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस पैर में ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ था तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद आप देखो पैर जाम हो गया है, क्योंकि दोस्तों की मतलब कि जब एक्सीडेंट वगैरह या फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर या कास्ट बनता है, तो हाथ या पैर जाम में मतलब कि रुक जाता है, यानी कि मतलब कि जाम हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है। तो उसको मोड़ने के लिए फिर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा कि मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, आप देख रहे हैं वहाँ फिजियोथेरेपी चैनल को और वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो ऐसा कि दोस्तों मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप पैर मोड़िए कितना मोड़ रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों इस पूरी वीडियो को कि कैसे कैसे मोड़ा है। मोड़िए भाई कितना पैर मोड़ रहा है आपको, और मोड़िए मोड़ो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इतना पैर मोड़ रहा है, और ये बहुत ही टाइट पैर है। हम दोस्तों आपको चलो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका एक साइड 10 का लगाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कि दोस्तों मैंने इसका 10 का सेलेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं पैर मोड़ी हुई है, मोड़ना मोड़ना थोड़ा बहुत, तब भी मोड़ो, थक तो गया मान दोस्तों। ऐसे कि इनका पैर थक चुका है, तब भी आप देख सकते हैं इन्हें अब कितना मोड़ दिया। क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, देखा होगा कि आप पहले कितना मोड़ रहा था, आप कितना मोड़ रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा कि दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपको पिछली वीडियो CPM में हमने मतलब कि CPM के द्वारा हमने घुटने को कैसे मोड़ा है, उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, उसमें लिंक पड़ा है। और आप उस वीडियो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा ही याद भूल रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।